चलो भाई बैठ गए, सब बैठ गए, सब बैठ गए। ये भी फौरा ही है इधर ही, ये इस तरफ है, बिल्कुल सामने ही है, सामने होटल है, तो वहाँ जाना है, खाना खाना है। अब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों भी आज का हम नया ब्लॉग शुरू करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक हो गए और खैर खैरियत हो गए। तो भी हम लोग जा रहे हैं, तो हम सब ओके तैयार हो गए। तो आज है अपना जुम्मा, और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना फैसल मस्जिद जाएँ। बिल्कुल, मैं भाई जैसे कि मैं आ गया हूँ अपना इस्लामाबाद में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए थे मैं यहाँ अपना आया था, ब्लॉग बना नहीं आया था। फिर आराम से आराम से आराम से आराम से बस। तो हो गई गाड़ी तैयार, और फिर बैठते हैं। हाँ दोस्तों, यार अब मैं यहाँ रुके हुए हैं, और क्योंकि वो साजिद गया हुआ अंदर, ये सैलून है, सैलून है यहाँ नहाने गया, क्योंकि पानी हो गया था ख़त्म। इस्लामाबाद में ये मसला है कि पानी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, हर हफ्ते बाद नया टैंकर, इस वजह से मेरी देर। तो अब ये है कि भाई ये सब तैयार हैं, अब ये तो वैसे भी तैयार है भाई, क्यों भाई ओके तैयार ना, हम तैयार हैं बाकी। हाँ तो भाई कोशिश करेंगे हम लोग फैसल मस्जिद जाने की, नहीं जा सके तो भाई यहाँ पर सामने पास में मस्जिद है, नमाज पढ़ के और फिर चलेंगे वहीं पर, थोड़ा घूम के भी आएंगे, दिखाएंगे आपको फैसल मस्जिद, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम होगा कि हम जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भाई नहा लिया, हम भाई मैंने इसलिए पहले नहा लिया था, मैं भी अंदर जाके फंस गया था, लेकिन उल्टा सीधा नहा लिया। हाँ जो उल्टा सीधा आपने नहाया है ना, तो आपने ये सही किया, अच्छा किया है, लेकिन नहा लिया आपने। नहीं तो यहाँ पर 50 भरना पड़ता। हाँ सही सही दोस्तों, ये साजिद भाई ये रेडी हो गया, क्योंकि यहीं पर इसने नहाया है, ये नहा के रेडी हो गया, बस ये आज जैसे आता है ना कंघी दे के फिर हम लोग चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। भैया कपड़े रख दिए अंदर, अब कहाँ जाएंगे, वहीं जाएंगे फैसल मस्जिद या इधर ही पढ़ लें, तो टाइम ज़्यादा हो गया यार, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम भी देखें, टाइम ज़्यादा हो गया, सब चलते हैं भाई इधर ही पढ़ लेते हैं यार, इधर ही पढ़ते हैं बस, चलते हैं और फिर वहीं वैसे चलेंगे हम लोग, वहीं आगे घुमाएंगे आप लोग भी देखेंगे। तो दोस्तों हमने नमाज पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली सबने, पढ़ ली हमने नमाज पढ़ दी भाई जान, पढ़ ली भाई तो नहीं तो अच्छा ही पड़ गया। अब क्या हुआ भाई, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद जा रहे हो, देख लो। यार हमें हो गई थी लेट, तो इस वजह से हम यार पहुँच ही पाए थे, पहुँच के बल्कि हम लोग ना जैसे निकले तो एक तो पानी ख़त्म हो गया था नहाने के लिए, तो इस वजह से तो भाई हमने ना यहाँ पे ना नमाज़ पढ़नी पड़ी, तो अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है, तो भाई अब निकलते हैं हम लोग, वहीं मिलते हैं। दोस्तों भाई हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, अब बंदे हैं छः, अब देखते हैं ये कैसे जगह बनाते हैं ये लोग, क्योंकि पहले भी तो फंस के आए थे, लेकिन अब साजू भाई कह रहे हैं कि यार सीट को पीछे करो, कैसे करोगे साजू भाई, तो समझाओ इनको यार। हाँ ऐसे करो, वो ये चीज चलो भाई बैठ गए, सब बैठ गए, सब बैठ गए। यार मेरे साथ जाती है वैसे, देखा जाए ना, जाती है, इन्होंने फंसा दिया मैं लोगों की गोद में, ऐसी फुल कर दो यार पीछे, ऐसी फुल कर दो, मैं तो ब्लॉगर हूं, मैं तो आगे बैठूंगा भाई, तो आगे फायदा लेके बैठ गए ब्लॉगिंग का, हमें मरा दिया भाई ने। नहीं यार ऐसे पता क्या, ये साथी भाई कह रहे हैं कि पता क्या आगे यार वो सामान वगैरह किसी के साथ अब मुझे होगा, वो चला जाएगा, तो इस वजह से मैं 6-7 दी हुई है ना। क्या क्या दोस्तों प्यारे नजर आ रहे हैं हम लोग, तो निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, तो अपना दुआ मांगते हैं खैर से जाए और खैर से वापस आए भाईजान, दुआ मांगेंगे वो बेशक अल्लाह अपनी रहमत से हमें खैर से जाएंगे खैर से वापस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप सफर की दुआ चला दें या पढ़ लें, और अपना सीट बेल्ट आप दोनों रेडी हो जाएं, भाई हाईवे पे चढ़ेंगे सीट बेल्ट गली में लगा लें भाई, लगा लें कोई पता नहीं है। दोस्तों ये देखिए फ्लैग्स, और ये है हमारा पाकिस्तान जो अपना 14 अगस्त आने वाला है, उसके लिए भाई लोग इन्होंने अभी से ही स्टार्ट कर दिया है, वाह 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 ज़बरदस्त, आगे और भी हैं आगे, ये भाई आज डेट क्या
आज 11 है, बाकी सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और फिर हमारा भाई 14 अगस्त हमारा आ जाएगा इंशाल्लाह से, तो फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों ये है सेंटोरस जो हमने ये भी घूमना है, और फिर अब सामने है हमारी माशाल्लाह से फैसल मस्जिद, वो एक है सामने फैसल मस्जिद। पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर और, बस एक मिनट और लग जाएगा हमें पहुँचते तक। माशाल्लाह कितनी प्यारी लगती है, और अंदर से दिखाते हैं, और पीछे से इसका जो बैकग्राउंड है आप वो देखें, जो पीछे इसके पहाड़ हैं खूबसूरत, वो बादल का मौसम इसमें अपना जो लुक दे रहा है, जो व्यू दे रहा है, माशाल्लाह कितना प्यारा ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज पर हम तो ना पहुँच सकें तो, लेकिन आज आप लोगों को दिखाएंगे फैसल मस्जिद, जबरदस्त लोग नमाज पढ़ के ना निकल रहे हैं माशाल्लाह, जवान भी ज़्यादा है और लोग भी ज़्यादा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो हम लोग भाई फाइनली पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तो चलते हैं आगे, क्योंकि आगे से आपको दिखाना है, और इसकी जो हिस्ट्री है ना वो हमें कौन बताएगा, इसकी जो हिस्ट्री है वो हमें बताएगा अपना नजीबुल्ला बताएगा या साजिद बताएगा? पता नहीं भाई जान। साजिद भाई आपने इसकी हिस्ट्री बतानी आज, ये भाई शाह फैसल ने बनवाई थी, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी नहीं तकड़े नहीं है, तकड़े नहीं हो जाओ अभी रुक जाओ। मैंने ये 5 क्लास में पढ़ी थी इसकी हिस्ट्री। अच्छा, तो थोड़ी याद है जी भाई जान, हम फैसल में पहुंच गए हैं ऑलरेडी। हां दोस्तों ये फिर आप पढ़ लीजिएगा, ये है इंस्ट्रक्शन, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। कहाँ गए ये लोग? हाँ ये रहे, ये रहे चप्पलें यहाँ रखते हैं, चप्पलें उतार के ना, ये बहुत गर्म है यार, ये बहुत गर्म है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देखिए कितनी प्यारी है, मज़ा आ रहा है ना ज़बरदस्त देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत। ये देखें प्यारी, कितनी प्यारी मस्जिद, ये इसका सहन है, पूरा सहन है। आगे अन्य तक के मस्जिद है, तो वहाँ कोशिश करेंगे हम जाएंगे, क्योंकि अभी तो नमाज ख़त्म हो गई ना, तो वहाँ शायद हमें अलाउ ना हो, लेकिन बहरहाल नजीबुल्ला आप थोड़ा बताएँगे मुझे क्या इस मस्जिद के बारे में। यार ये जो मस्जिद बेसिकली जो बनवाई थी ना, ये बनवाई थी शाह फैसल ने। हाँ थोड़ा ऊँचा बोलो। हाँ ये जो मस्जिद बनवाई थी ना, वो बनवाई थी शाह फैसल ने, जो कि सऊदी अरब के बड़े बादशाह थे, तो इसका जो संगे बुनियाद उन्होंने रखा अपने हाथों से, तो ये मस्जिद जो कंप्लीट हुई थी वो हुई थी 1986 में। अच्छा, और जो शेप दिया था इसको वो दिया था तुर्किश, एक थे तुर्किश मैन थे जिनका नाम था विदेत ढोलके, मेरे ख्याल से उन्होंने इसका नक्शा दिया था, ये फिर अल्लाह के करम से 1986 में बन के तैयार हो गई, अब ये आपके सामने है। माशाल्लाह ज़बरदस्त यार। अब चलते तो आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए ये सामने ना ये फवारा है, तो ये फिलहाल तो बंद है, और क्या कहते हैं बस आप लोग चेक करें, माशाल्लाह व्यू चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त। मेरे सारे कज़न वो वहाँ खड़े हुए हैं एक तरफ, क्योंकि धूप ज़्यादा है ना इसलिए। ये माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। दोस्तों ये भी है, अब ये भी फवारा है, ये इधर ही, ये इस तरफ है, बिल्कुल सामने ही है, और ये पूरा हॉल के पीछे एक वहाँ पे फवारा है, और ये सारा सीन है माशाल्लाह से। भाई हमने घूम लिया, और अब करनी है दुआ सबके लिए, तो दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ मांगेंगे, सबको बोलेंगे कि इकट्ठे खड़े हो जाएं। भाई अब दुआ करनी है, आ जाओ
और दुआ करनी सबके लिए, सबके लिए दुआ करो। चलो भाई आओ लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में दुआ करें सबके लिए। दुआ करो, हां हां आ जा, दुआ मांगो। بردار بنا بے روزگاروں کو ہلال وسیل اس کا عطا فرما میرے یا اللہ پاک نے तो चलते हैं आप नीचे, चलते हैं और नीचे से दिखाते हैं आप लोगों को। ये लोग आ रहे हैं अभी, ये लोग की अभी ना वो हो रही है, फोटोग्राफिंग हो रही है, उसको फोटो खींच रहे हैं। तो हम आप नीचे चल देंगे, नीचे चलते हैं और नीचे से आप लोगों को दिखाते हैं एक बार। बस ये देखें, तो ये है वजू एरिया, ये वजू एरिया और ये देखें, जबरदस्त जबरदस्त। तो दोस्तों हम लोग निकले हैं बाहर और बस अब लोग अपनी चप्पलें जो हैं वो उठाएंगे, चप्पलें उठा के अब निकलेंगे, क्योंकि बस भूख लगी है, नाश्ता भी नहीं किया था हमने और खाना भी नहीं खाया था। हैं हरी भाई? जी भाई, अभी बहुत भूख लगी है, खाना खाने जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ वो भी चल देंगे, तो यार वो भी अपना ना खाना खाना यार, बहुत भूख लगी। बाकी मैं भाई से वहाँ से घूम के आए। अच्छा तो यहाँ से घूम के आना है, वाह ये आ गए, यहाँ से ऐसे आ गए और यहाँ से चप्पलें, बिस्मिल्लाह यहाँ से। हाँ ये मेरी चप्पल, ये मेरी चप्पल है, ये मेरी चप्पल है भाई, चप्पल ले ली। हाँ अच्छा, तो चोरी नहीं करते, मजाक करते, ऐसे ही हो गया। और ये सामने भाई ये इस तरफ है, ये चप्पलों का सिस्टम यहाँ पे है, वही है वो आ रहे कहाँ 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 वो रे वो आ रहे वो आ रहे। चलिए जाते हैं हम लोग, निकलते हैं। तो दोस्तों भाई हम लोग निकल के बाहर आ गए और सामने होटल है, तो वहाँ जाना है खाना खाना है। अब वहाँ पहुँचते हैं ना, खाना भी खाते हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मेरे यार मैंने एक हफ्ते बाद, बल्कि दो हफ्ते हो गए खाने के साथ, मैंने लाइम भी अपना व्लॉग मैंने नहीं बनाया ना, दो हफ्ते मुझे हो गए। तो उसके लिए है माजरत माजरत माजरत, आप सब लोगों से माजरत है कि मैंने यार व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था अपने कामों में, तो इस वजह से यार। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं व्लॉग आप लोगों को जल्दी से जल्दी दूँ, अपडेट करता रहूँ। तो ये सारा सीन है, तो अल्लाह खैर करेगा। ये पहुँच गए, ये है होटल। अब यहाँ बैठने की जगह, बैठने की जगह मिल जाए हमें, बैठते हैं हम लोग। और ये तो सारा कितना जगह नहीं है वो, देखो यार जगह कितनी है। बस भाई वो कह रहे हैं नहीं भाई हलवा भाई यहाँ जगह नहीं है, तो हम आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। गर्मी और फैन भी नहीं। हाँ एक तो गर्मी, ऊपर से फ़ैन भी नहीं, काम ख़राब हो जाएगा। तो भाई दोस्तों यार आपसे आप लोगों से फिर बात करता हूँ कि आप ये कहते हैं घबराइएगा नहीं, ब्लॉग आएंगे। कहते हैं ना इमरान खान कहता है कि घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है, तो ब्लॉग आते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ कहते यार इस वजह से ना। तो अब आएंगे इंशाल्लाह से ब्लॉग, अब देखिएगा आप लोग, तो इंशाल्लाह पाक खैर करेगा। अब इमरान भाई जो है ना वो वापस आ चुके हैं ब्लॉगिंग की तरफ, कुछ दिन किसी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हम आपको विजिट कराएंगे चंद दिनों में पूरा इस्लामाबाद। हाँ। उससे आगे का इरादा है, खूब एंजॉय करेंगे हमारे साथ, खूब एंजॉय करेंगे भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये दूसरा होटल है, हैं यहाँ पे भी फुल है, नहीं वो है वो चारपाई है, वो एक है वो एक है, वहाँ बैठते हैं। बहुत गर्मी हो गई यार, ये देखें ये पंखा ला रहा है अपना खुद का खुद पंखा ला रहा है। और भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी हो गई है, हबस हो गई है, हबस हो गई है आज। वैसे इमरान भाई हालत हो गई है, पसीना सूख नहीं रहा है ना, वैसे जब से मैं इस्लामाबाद आया हूँ डेढ़ मंथ हो गया, मुझे पसीना नहीं आया, आज आया तो आज सूख नहीं रहा, सूख नहीं रहा। वाकई से वाकई भाई हमने खाना ऑर्डर कर दिया, जैसे खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं एक और जगह पे, वो भी बताएंगे आपको बाद में। फिलहाल तो खाना खाने, फिलहाल तो भाई भूख है, हाँ सरप्राइज है आप लोगों को देंगे, तो भूख बहुत ज़्यादा पेट में भाई, नाश्ता भी नहीं किया और ऊपर से फिर ना करो आपने रहना हमारे साथ है, जाना कहीं भी नहीं है। नहीं नहीं हम कहीं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं, आप देख के खुश हो जाएंगे। ये मज़ा हुआ ना। तो दोस्तों भी खाना आ गया और खाना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है।
इधर ऐसे ये बन गया ना भाई, अब बन गया। तो अभी क्या रह गया? अब दिल पानी पानी कर रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, पानी रह गया। अब स्टार्ट करें आओ शुरू करते हैं। की मार है, आओ भाई आओ शुरू करो, क्योंकि रोटी को इंतजार नहीं करवाते, रोटी को कभी इंतजार नहीं करवाते भाई, गुनाह मिलता है। हेलो भाईजान, तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमने खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, और बड़ा मज़ा आ गया, बहुत खाना बहुत टेस्टी था माशाल्लाह से, और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं इसी ब्लॉग को इधर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।